मेरा एक टारगेट है दिन हाँ का, मुझे ओला उबर के अंदर में चाहे दोनों से हो चाहे सिंगल से हो, हाँ 4,000 रुपये करना ही करना है। कितने घंटे का वर्क करते हैं आप गाड़ी के साथ में? टोटल 12 घंटे। हाँ, खाने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो। आजकल बहुत सारे लोग हमें पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछते हैं, कमेंट करके भी पूछते हैं कि इस टाइम जो है ओला उबर में इनकम कितनी हो रही है। और काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे आपको डीमोटिवेट करने वाले। आपको डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, आपको अपने काम पर फोकस करना है, सिर्फ काम करते रहना है और आप चलते रहें, आगे चलते रहें, रुकना नहीं है। रुक गए तो समझ लो आपका एल्गोरिथम डाउन हो जाएगा। हमारे साथ हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? शेख ताहिर जी हमारे साथ हैं। और भाई साहब ने बताया हमें के महीने में कितना कमाते हैं ओला उबर चला के, एक ही गाड़ी से, इनके पास एक्सेंट है, एक्सेंट चला के कितना कमाते हैं, आज हम आपको बताएंगे और आप लोगों को बहुत मोटिव मिलेगा और आपको काम करने का भी मन करेगा इनकी बातें सुन के। क्योंकि भाई साहब जो कमाते हैं ना, मुझे नहीं लगता है कोई कमाता होगा, और कमाता भी होगा तो कोई बंदा बताता नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि डीमोटिव करें एक दूसरे को, क्योंकि वो बंदा गाड़ी ना चला पाए, वो बंदा इस लाइन में ना पाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी वीडियो देखते रहिए। अगर आप लोगों ने अभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो भाई साहब अभी कितने समय से गाड़ी चला रहे हैं आप? मुझे हो गया लगभग सवा साल। सवा साल से गाड़ी चला रहे हैं, सवा साल से भाई साहब जो गाड़ी चला रहे हैं। और मैं आपकी बात करूं तो डायरेक्ट हम मुद्दे की बात पर आ जाते हैं जो हमारे व्यूअर्स देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो आप लोग भी हैरान मत होइएगा, भाई साहब से पूछ रहा हूँ मैं इस टाइम पे। तो अब आपकी जो इनकम है पर डे की, वो कितनी हो जाती है? मेरा एक टारगेट है दिन का, मुझे ओला उबर के अंदर में चाहे दोनों से हो चाहे सिंगल से हो, 4,000 रुपये करना ही करना है। 4,000 रुपये करना ही करना है। अब आप देखोगे तो कुछ लोग कहते हैं कि दिन में क्या हो रहा है, 500 बच्चे वो भी CNG में चले गए। अरे भाई, यहाँ भाई साहब 4,000 कमाते हैं पर डे के, और आप लोग कहाँ खो रहे हो हमें पता ही नहीं चल रहा। तो अभी 4,000 कैसे कमाते हैं वो आपको सब कुछ बताने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आप जो सुबह मॉर्निंग में कितने बजे निकालते हैं गाड़ी अपनी? सर मॉर्निंग में तो मैं ये कुछ 9 से 10 बजे के आसपास निकालता हूँ। 9 से 10 बजे के आसपास? तो 9 से 10 बजे के आसपास निकालते हो, तो कितने घंटे का वर्क करते हैं आप गाड़ी के साथ में? टोटल 12 घंटे। 12 घंटे का? हाँ। 12 घंटे आप गाड़ी चलाते हैं, रेस्ट भी करते हो दिन में थोड़ा बहुत? हाँ, खाने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, खाने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो कौन सी कंपनी में गाड़ी चलाते हैं आप अपनी? ओला और उबर है मेरे पास। अच्छा। बट उबर में ज्यादा चलाता हूँ। अच्छा। ओला सिर्फ आउट स्टेशन के लिए। अच्छा, यूज अच्छा, करते हैं। अच्छा, उबर में गाड़ी ज्यादा चलाते हैं भैया जी, और उबर ओला को कभी कभी आउट स्टेशन के लिए यूज करते हैं। तो महीने में आउट स्टेशन कितनी बार जाते हैं? आउट स्टेशन लगभग 4 से 5 बार ही मिल जाती है। 4 से 5 बार मिल जाती है। तो कुल मिला के बात की जाए तो 4,000 रुपये पर डे के हिसाब से लगाया जाए तो 120,000 रुपये पर मंथ का पड़ जाता है। 1,20,000 में गाड़ी में कितना मेंटेनेंस लगा देते हैं आप? गाड़ी में मेंटेनेंस का गैस और सर्विस लगा के लगभग 15,000 रुपये। 15,000 रुपये गाड़ी में सर्विस लगा देते हैं। और खाना खर्चा हो जाता होगा आपका? सर सब कुछ बचाया निकाल के ना सारे हाँ। खर्चे 70,000 रुपये मैं इन हैंड लेके जाता हूँ, 50,000 मैं खर्च करता हूँ पूरा गाड़ी के। अच्छा, तो सब कुछ पूरा खाना खर्चा रहना सहना सब कुछ निकाल के, गाड़ी का मेंटेनेंस निकाल के भाई साहब 70,000 रुपये बचाते हैं पर मंथ के। और आप लोग सोचोगे कि कहीं नौकरी कर लें 15,000 की, तो 15,000 की नौकरी भी नहीं मिलेगी आपको, हार के आपको 10,000 की नौकरी करनी पड़ेगी, उसमें 2,000 रुपये रेंट दोगे और 4,000 रुपये आप खाना खर्चा करोगे, उसके बाद में क्या बचता है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल जो निलवटा सन्नाटा। और भाई साहब से अगर आपको मोटिव मिलना हो तो आप तुरंत ही गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दो अपनी। अगर आप जी भी आपने अपनी गाड़ी खड़ी कर रखी है, आप सोच रहे हो कि बेच दूं मैं अपनी गाड़ी के, ये कर दूं वो कर दूं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपकी EMI भरी है और गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दीजिए। हमें पता है कि कुछ लोग EMI भरने के डर से या फाइनेंसर उठा ले जाएंगे, इस डर से गाड़ी नहीं हिला रहे हैं, लेकिन हाँ भाई इतना जरूर है 10-12 हज़ार की आप जो EMI पे करने के बाद अपनी गाड़ी रोड पर चलाएं। भाई साहब से थोड़ा मोटिव लें, कुछ लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो डीमोटिवेट होते हैं? सर डीमोटिवेट आप बिल्कुल मत होइए। आप बस इतना ध्यान रखिए, जब भी आप गाड़ी निकालते हैं आपको एक ही जगह पर टिक के नहीं बैठना है। अच्छा। अगर एक जगह ड्यूटी नहीं बज रही है तो आप पास पास का सर्ज एरिया देखिए। अच्छा। चाहे आपको 5-7 किलोमीटर खाली चलानी पड़े, लेकिन अच्छा। आप चलाइए। अच्छा। आपको गारंटी है कि सुबह 4 बजे से लेके रात के 1 से 1.5 बजे तक 100% ड्यूटी मिलेगी। अच्छा, मिलेगी बिल्कुल, इतना काम होता है, आराम से मिलता है बिल्कुल। तो आप लोग एक जगह ना बैठे, गाड़ी को चलाते रहें अपना। अगर यहाँ ड्यूटी नहीं है तो मान लो 2 किलोमीटर दूर जाके मिलेगी, 4 किलोमीटर दूर जाके मिलेगी, तो इस तरीके से आप जो काम कर सकते हैं। और भाई साहब ने मोबाइल खोल रखा है अपना, कौन सा ऐप है? उबर है। उबर का है। तीन दिन का 10,400 3 दिन का 10,000 874
ठीक है। और आगे दिखाओ, इसके आगे देखिए, इसमें दो ही दिन चलाई है, इसमें दो दिन का है 4254 खाली उबर का, और ये इतना ही उबर ओला में भी होता होगा, ओला में भी इतना ही होता है और उबर में इतना ही है। तो इस तरीके से जो भाई साहब चला रहे हैं, देखो ऐसे दिखा देता हूँ आपको, पीछे वाला भी अगर आपने नहीं देखा हो तो, तीन दिन का 10874, ये देख लो। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।